शाहजहांपुर में भावलखेड़ा ग्राम पंचायत अजीजपुर रजुआ में सुमन देवी पत्नी धर्मेंद्र सिंह को 27 मतों से प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। जनपद शाहजहांपुर में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लॉक भावलखेड़ा से ग्राम पंचायत अजीजपुर तालुके रजुआ में सुमन देवी पत्नी धर्मेंद्र सिंह को 27 मतों से जीत हासिल हुई, जिनको 27 मतों से प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं उनकी ग्राम पंचायत की जनता भी काफी खुश नजर आई। ग्राम पंचायत अजीजपुर तालुके रजुआ की जनता ने खुद कहा, मुझे इनसे काफी उम्मीदें हैं विकास कार्यो हेतु, क्योंकि जब प्रधान पद पर नहीं थे फिर भी धर्मेंद्र सिंह ने मेरा सुख दुख में 24 घंटे इन्होंने हम ग्रामवासियों का हमेशा साथ दिया है, उसका रिजल्ट मैंने दिलवा दिया। वहीं प्रधान सुमन देवी पत्नी धर्मेंद्र सिंह ने कहा, मेरी पत्नी को विजय प्राप्त करवाने पर सबसे पहले तो मैं अपनी ग्राम पंचायत अजीजपुर तालुके रेजुआ के समस्त सम्मानित जनता को विजय की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मेरी ग्राम पंचायत अजीजपुर तालुके रेजुआ की जनता ने मेरा दिल खोलकर साथ दिया है, जनता के सहयोग व आशीर्वाद से मुझे विजय प्राप्त हुई। मैं तो यही कहूँगा कि मेरी ही नहीं बल्कि मेरी ग्राम पंचायत अजीजपुर तालुके रेजुआ की समस्त सम्मानित जनता की विजय हुई। विकास कार्यों की बात करें तो पिछली बार से भी ज़्यादा विकास कार्य करवाऊंगा और जनता के सुख दुख में हमेशा साथी हूं और रहूंगा और जनता की हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा। ग्राम पंचायत अजीजपुर तालुके रजहुआ में, क्या नाम है आपका भैया? अन्नू सिंह। अन्नू सिंह जी, अन्नू सिंह जी ये बताइएगा, प्रत्याशी तो और भी थे, धर्मेंद्र सिंह जो है इनकी पत्नी सुमन देवी को ही क्यों विजय प्राप्त हुई, ऐसा क्या लगाव रहा आपको? हम तो जानते हैं और भी लोग जान जाए, बता दीजिए। आम पब्लिक के साथ में प्रधान नहीं थे तब भी इन्हें बहुत काम किया और सबका दुख सुख में खड़े होते हैं और सब करते हैं। आपका भी साथ दिया इन्होंने बहुत, आपने इसीलिए इनको जिताया। और विकास कार्यों के लिए अगर हम बात करें तो इन पे कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद, 100%। आदर्श कुमार जी ये बताइएगा, प्रत्याशी तो और भी थे, तो सुमन देवी पत्नी धर्मेंद्र सिंह को ही क्यों विजय प्राप्त हुई, ऐसा क्या लगा रहा आपको? जी भैया यहाँ देखिए, ऐसा है कि पूर्व प्रधान जो भी थे 15 साल से चला रहे हैं तो उनका काफ़ी दबदबा रहा है और यहाँ इनके काम जो अच्छे हैं, मतलब ना होते हुए लोगों का तो बढ़िया जानते हैं, पहले हम कभी आए उनके खिलाफ जनता ने आवाज कभी उठाई नहीं जी, है, तो हम भी बढ़िया तरीके से लोगों का ना होते हुए उस कुर्सी पर तब भी बहुत सहयोग दिया है और आज वही चाहते हैं कि जनता खुद चाहती है कि हमारे गांव का विकास हो। तो आपको उम्मीद है इन पे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100% विश्वास है कि ये हमारे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे और 100% काम करेंगे। तालुके रजहुआ में इस समय मौजूद है, हम बात करेंगे ब्लॉक भावलखेड़ा ग्राम पंचायत अजीजपुर तालुके रजहुआ से, जहां सुमन देवी पत्नी धर्मेंद्र सिंह को 27 मतों से प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित किया गया, उनसे ही हम बात करेंगे, वो हमारे भी सामने बैठे हैं। ये बताइएगा, अपनी ग्राम पंचायत अजीजपुर तालुके रजहुआ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? विकास कार्य कराएंगे, बधाई नहीं देंगे? बधाई तो है ही उनके लिए तो पूरा। और विकास कार्यों की हम बात करें, चुनाव के पीरियड में आपने कुछ वादे भी किए होंगे, जनता की विकास कार्यों सहित और जनता की हर उम्मीद पर कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे? पूरा 100% खरा उतरेंगे। और आपकी ग्राम पंचायत तालुके रजहुआ की जनता भी काफ़ी खुश नजर आ रही है, मैंने देखा है यहाँ पे, तो प्रत्याशी और भी अन्य प्रत्याशी हैं वो काफ़ी बौखलाए नजर आ रहे हैं, आपसे ही क्यों इतना जनता का लगाव रहा जो आपकी विजय आपको प्राप्त हुई? ये तो जनता को मालूम होगा, कुछ जरूर कुछ ऐसा रहा है नहीं, कुछ आपको भी तो प्रधान ना रहते आपने हुए कुछ अच्छे काम का सहयोग किया, अच्छा, इससे पहले प्रधान ना हुए तो भी आपने बहुत मदद की, सहयोग करते रहते हैं। ठीक।